नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज बिहार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। बिहार के अररिया जिले से पत्रकार की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रानीगंज में बेखौफ बदमाशों ने एक अखबार के पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात शुक्रवार अहले सुबह की है। बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और पत्रकार के घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। गोली लगने से पत्रकार विमल कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। वह अपने भाई के मर्डर केस में इकलौता गवाह था। इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पत्रकार की हत्या के बाद कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक रानीगंज के प्रेमनगर स्थित घर में दैनिक पेपर के पत्रकार विमल कुमार की शुक्रवार सुबह हत्या कर दी गई। बाइक पर सवार होकर आए अपराधियों ने उन्हें पहले घर के बाहर विमल भैया आवाज देकर बुलाया, फिर अंदर घुसकर गोली मार दी। गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि विमल कुमार के भाई की भी पहले हत्या हुई थी। इस केस में वे इकलौते गवाह थे। फिलहाल विमल कुमार की हत्या को इसी एंगल से देखा जा रहा है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए अररिया सदर अस्पताल ले जाया गया है। जांच के बाद ही हत्या की असली वजह सामने आ पाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अररिया बिहार से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। हमें ग्रिल खोले घर से तब खेल बच्चा दिमाग काम नहीं कर ले। एक दिन अल कोर्ट में गवाह दे सजा करवे हम कहलिए की तब नहीं दी गवाह नहीं हम गवाह से नहीं हटबे हम सरकारी गवाह छी हम गवाह देवे खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए लाइव 24 न्यूज बिहार के साथ।